इंडिया में दोस्तों पोको F6 23 मई को लॉन्च होने वाला है। इस फोन में आपको क्या फीचर्स, क्या स्पेक्स आपको देखने को मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। इसमें दोस्तों आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। 4 nm टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर दोस्तों ये। इसमें दोस्तों आपको एंड्रॉइड 14 भी आपको देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको 12 GB रैम LPDDR5X RAM का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। 256 GB UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, डिस्प्ले में आपको 6.67 इंच का 1.5 की रिजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट, 2400 की आपको पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही इस फोन में आपको डॉल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। कैमरे की अगर हम बात करें तो बैक में आपको ड्यूल सेटअप कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। प्राइमरी कैमरा 50MP सोनी LYT 600 सेंसर के साथ आपको देखने मिलता है, जिसमें आपको OIS का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड आपको 8MP अल्ट्रा वाइड सोनी IMX 355 का सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 20MP सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। साथ इस फोन में आपको ड्यूल स्टोरेज स्पीकर आपको मिलते हैं और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको 5000 की बैटरी आपको मिलती है और 90W का नहीं है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये फोन दोस्तों आपको दो कलर में आपको देखने को मिल जाता है, ब्लैक कलर और टाइटेनियम कलर, दोनों कलर दोस्तों देखने में काफी अपील लगते हैं। दोस्तों प्राइस की अगर हम बात करें तो ये फोन दोस्तों आपको इंडिया में 30,000 समथिंग आपको देखने को मिल सकता है। कमेंट दोस्तों अपील शेयर करना कि आपको इस फोन के फीचर स्पेक्स कैसे लगे और आप इस फोन के लिए कितना एक्साइटेड दोस्तों, वो भी आप कमेंट शेयर करना। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।